इंद्रम यमं मातृष्वान वेदांतिनो निर्वचनीय यम ब्रह्म सर्वे निर्निदिशति सेवाय विशंसवेत्तवचन यम वैष्णा विष्णुर्दृष्टवन्ति बोधास्तता श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम मंच पर उपस्थित अतिथियों का परिचय मेरे ठीक दाएं ओर श्रीमान भवनी सेंगर जी आप अपने विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद विभाग रामपुर जनपद मुरादाबाद महानगर और मुरादाबाद ग्रामीण ऐसे तीन जनपदों को मिलाकर मुरादाबाद विभाग के मंत्री हैं और आपका निवास मुरादाबाद में है। आप पूर्व में अपने मुरादाबाद ग्रामीण जनपद के जिला कार्याध्यक्ष रहे जिला अध्यक्ष रहे अब आप वर्तमान में विभाग मंत्री हैं। आपके बराबर में श्रीमान शंकर राजपूत जी आप बजरंगदल के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए वर्तमान में बजरंगदल जिला संयोजक के नाते अपना काम देखते हैं और आपका निवास स्थान अगवानपुर में है। आप बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर कसम तुम्हारी राम प्राण दे के बराबर में श्रीमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद मंच संचालक श्रीमान विजय तूफानी जी, मंचासीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गौरव चौहान जी, विभाग मंत्री श्रीमान भवनी सेंगर जी, इस विभाग के बजरंग दल के संयोजक शंकर जी, जैसा नाम वैसा काम, उनकी बगल में विराजमान इस विभाग के संगठन मंत्री गौरव प्रताप सिंह और इस प्रांत के सत्संग प्रमुख श्रीमान सुधीर जी मेरे सामने उपस्थित, दुर्गा वाहिनी की बहने बजरंग दल के को बजरंगी जो जिधर चल देते हैं उधर का रास्ता बदल देते हैं,
ये वो बजरंगी है, नदी की धार बदल सकते हैं, आसमान के अंदर शोले बन के गिरा सकते हैं, लेकिन आज ये पूरे संस्कारवान हैं। आप लोग आज जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए हम उपस्थित हुए हैं, वो कार्य आज हनुमान जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। आप जानते हैं हनुमान जी बजरंग दल के आराध्य देवता है। जो हनुमान जी बुद्धिमान, संस्कारवान, धैर्यवान, शक्तिशाली और तो और बिल्कुल शांत प्रिय, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। और हम उस बजरंगबली के उपासक हैं, हमारे आराध्य देव बजरंगल के बजरंगबली हैं। भगवान श्री राम वो जब यहां से निकले अयोध्या से, और उन्हें बजरंगबली मिले, और उस समय तक क्या शक्ति थी और क्या शक्ति बनी। बजरंगियों, हम लोग आप लोगों को भी अपनी ताकत का एहसास नहीं है। ये जो भगवान इतने सारे मेरे सामने भगवान झंडे हैं, ये वो झंडे हैं जो अपनी शक्ति की, अपनी ताकत का प्रतीक है। आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के 6 राज्यों के अंदर राम जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर उपद्रवियों ने पत्थर बजाए। मध्य प्रदेश में एक एक का घर तोड़ दिया, और जहां पर जब बजरंगी ने तलवारें निकाल के नंगी प्रदर्शन शुरू करा, वो मुल्ले मौलवी अब निकल के क्यों नहीं बाहर आते। अरे हम तो साफ कहते हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम भगवान राम के उपासक हैं, बजरंग बली का हमारे आदर्श है, हम उनके पदचिन्हों पर चल के शांत रहते हैं, शांति की अपील करते हैं। यदि फिर भी कोई हमसे टकराएगा तो हम ये बात भी निश्चित समझ लो, डंडे से, लाठियों से, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शांत हम रहते हैं, लेकिन हमारी शांति दूसरे के लिए ये भी समझ ले कि अगर उन्होंने हमारी तरफ निगाह उठाने की कोशिश करी, उनकी निगाह की आंखें निकाल करने का काम भी बजरंगबली के उपासक करते हैं। बंधुओं, ये हनुमान जी का काम, जिस दिन हनुमान जी को अपनी ताकत लगी ना, धैर्यवान देखे बजरंग को, अभी विजय भी उन्होंने किया तूफानी जी ने, भाई अनुशासन में रहना है, क्योंकि हनुमान जी को अनुशासन में रहते थे, संस्कार मानते हैं, बिना आज्ञा के कुछ नहीं करते थे, जब उन्हें आज्ञा होती थी तब वो करते थे, और जब करते थे तो देख लो लंका एक छलांग में पार कर दिया। और पहले वही वाली बात है, तो संस्कार भी हमारे अंदर, अगर हम आज्ञा दोगे तो वो सब कर देंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। देखो हमारा एक मानना है, हनुमान, हमारे हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ सब चीज का समाधान है। इन सबको समझ लेना चाहिए, धर्मियों को ये कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहता हूं कि किसी भी जगह पर पूरे देश के लिए मैं ये चेतावनी देता हूं, दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन बजरंगियों से टक्कर मत लो। अरे बात सुनो, हमने तो विश्व का, पूरे विश्व पर राज करा है। जो राम राजा थे ना, हनुमान जी का जन्म 1,98,123 साल कल हुआ, पर राम जी के
साथीदार था। जिस समय हनुमान जी बदल गए हो, ये जो और धर्म है जो अपने आप को तब वो बनते हीरो, ये तो 1400 साल पहले इस्लाम नाम की चीज धरती पर ही नहीं थी, आज ये जिहादी बन रहा है। 2000 साल पहले ईसाई नहीं थे इस धरती पर, ईसाई नहीं थे। अरे हमारा तो 2089 चले गए और ये भी भूल गए जो विक्रमादित्य है। अब 2078 में बृहस्पति पिता बनाएंगे, 2089 इस समय तो ये विक्रमादित्य हमारा अंत हुआ था। विक्रमादित्य की तो उपाधि हुआ करती थी, चंद्रगुप्त को उपाधि दी गई थी, विक्रमादित्य तो विश्व से ही होता था। तो उस समय क्या था, सब में राम राज्य था, राम जो राजा थे पूरी दुनिया के थे, पूरे विश्व के थे, पूरे ब्रह्मांड के थे। और ये जिहादी जो आज हमें चैलेंज देने की हिम्मत कर रही है, उन्होंने हमारे पत्थर बरसाए, ये निश्चित कहता हूं ये समझ जाए। अभी हमने अपने बजरंगियों को नहीं चेताया है, जिस दिन चेता दिया इनको पता है सिर छुपाने के मूल्यों को पूरी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में भागो, कहां तक भागोगे, चुन चुन के मारेंगे, एक एक को घरों के अंदर से निकाल निकाल के मारेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हम संस्कारवान है, धैर्यवान है। मेरा स्पष्ट कहना है बजरंग दल एक अनुशासित बल है, देश का बल है, देश की ताकत है। तुम्हारी फौजें जो है वो तो तनख्वाह पे काम करती है, ये बजरंगी बिना तनख्वाह के बिना पैसे के अपने खर्चे से काम करते हैं। बताओ कौन सा बल बड़ा हुआ, बजरंग दल बड़ा हुआ। यहाँ पर तो अपनी जेब अपने पैसे से काम करके सब काम करते हैं, अपने किराए से जाना है, यहाँ पे क्या अपने किराए से आए हैं ऐसा मानो। और ये सब तो दूसरे की फंडिंग से आता है, इन्हें तो पैसे दे के भेजा जाता है, ये पैसे ले के आते हैं। हमारे यहाँ तो हम अपने पैसे से अपना काम करते हैं और अपने पैसे से दूसरों का काम करते हैं। हम तो सुरक्षा करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और हिंदू समाज के लिए हम एक आधार स्तंभ की तरह काम करते हैं। लेकिन वो जितने आते हैं दलाल ऐसे लेके, वो कोई ये सब दो डंडे मार दिए ना, सब गायब हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौरव चौहान जी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं को आशीर्वचन रूपी आशीर्वाद देकर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यहां पर शांति मंत्र होगा, उसके उपरांत फिर हम पदयात्रा निकालेंगे। श्रीमान गौरव चौहान जी, उठना नहीं है, सभी कार्यकर्ता बैठ जाएं, सभी कार्यकर्ता बैठ जाएं। पंकज जी देखिए, आज यहाँ उपस्थित ठाकुरदारों में उपस्थित हमारी बजरंग दल की सेना, मैं सभी दायित्ववान में हमारे मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, ठाकुरदारा आगमन पर, ठाकुरदारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ हमारे सभी प्रखंडों के आए सभी कार्यकर्ताओं को का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ देखिए, आज हमारा कार्यक्रम है हनुमान जन्मोत्सव, और उसी के उपलक्ष में एक भव्य रैली का ठाकुर यहाँ सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज से निकलेगी, और जिसका रूट हम लोग हमारी गाड़ी जैसे हमारे तूफानी जी ने भी बताया है, बजरंग दल का कार्यकर्ता एक धैर्यवान कार्यकर्ता होता है, और हमें अपनी धैर्यता का परिचय आज ठाकुरदारा ने दिखाना है। इसी के साथ एक शांति पाठ होगा, उसके बाद हम अपनी रैली को लेकर यहाँ से रवाना होंगे, और फिर हमें वापस यही आना है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम पूर्णमदा, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवाशिष्यते।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्म भूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गोवन सत्या बंद हो। धर्मांतरण बंद हो। भारत अखंड हो। हर हर महादेव। सावधान। सबसे पहले बुलेट लगा है जिप्सी भाई लोग के। गगन जी जिप्सी को वही लगवा है। हेलो भैया। हेलो। और जिप्सी में जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो छोटे ऊपर से जी छोटे उसमें आज के अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी बैठेंगे। कार्यकर्ता जिप्सी में से उतर जाए। जब तक नहीं चलेगी तब तक जैसा आएगा। ठीक है। गाड़ी के पीछे जय घोष। वो गाड़ी के पीछे घोष रहेगा। पंकज जी हाँ जाओ। बुलेट के पीछे जिप्सी और जिप्सी के पीछे घोष।
के